मैंने शैतान अर्जिन बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम सखी शुबाज कलंदर मुजरम बहर ते गवर्नमेंट अंदर दमा दम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर नादर शाह पठान काफी के मैं तवीज़ बना के देता हूँ, यानी कि सखी शुबाज कलंदर के तवीज़ बना के देता हूँ। और मैंने आपको हुकूमत पाकिस्तान रेलवे गवर्नमेंट को पहले भी बताया था मेरे पास 7 करामतें हैं। पहली करामत बकर ईद के पहले दिन मैं दिखा रहा हूँ, 2 अदद पटड़ी रेलवे की कराची कैंट स्टेशन पे बाबा पीर बुखारी के सामने मैं पटड़ी उठा के फेंक रहा हूँ। और तहसीलों ज़िला लिया डाकखाना लिया मैं 1 अदद पटड़ी उठा के फेंक रहा हूँ। पहला दिन बकरा ईद का होगा इंशाल्लाह ताला, मैं करामत दिखा रहा हूँ। रेलवे हेडक्वार्टर पर मैंने टेलीफोन कर दिया, उनको भी मैंने बता दिया। और आजकल जो रिंग जाती है उस पर जो है ना रिंग जो जाएगी उस पर भराई करते हैं, और उन लोगों ने भराई भी कर ली है, मेरा टेलीफोन का नंबर भी लिख लिया है। और मैंने वहाँ पर लिखाया है मैं फौज का सिपा सलार हूँ, वहाँ मैंने पीर का लफ्ज़ नहीं लिखाया है। रेलवे गवर्नमेंट को मैं पीर भी हूँ और पाक आर्मी का सिपा सलार भी हूँ। आपका नाम? मेरा नाम हाजी मोहम्मद पीर हजरत शाह ईसा बलोटी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिदमतगार फौजी अफीसर बाबी सकेल उठा अली सरकार। अच्छा। और 5 मेरे दरगाह हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो 5 दरगाह हैं वो भी हुकूमत पाकिस्तान नहीं मान रही। तकरीबन 10 करोड़ 80 लाख रुपया मैंने लेना है, रेलवे गवर्नमेंट से नहीं लेना है, पाक आर्मी से लेना है। 10 करोड़ 80 लाख रुपया मैंने ये लेना है, और शेख रशीद साहब से 10,68,000 रुपये लेने हैं। अच्छा, तो इसके अलावा आपका फ़ोन नंबर क्या है? फ़ोन नंबर मेरा जो है 0348-583-0076। ठीक है। और मुबलंग का जो फ़ोन नंबर है 0309-40 और उसके बाद 990-54। तो इनकलाब आने वाला है? और इनकलाब आने वाला है, और तहरुल कादरी साहब डॉक्टर तहरुल कादरी साहब आएंगे इंतकाल, वो जो इनकलाब आएगा या बारिश आएगी जो भी आएगा उसको मसला हल वो तहरुल कादरी साहब करेंगे। और मुशर्रफ साहब? तो मुशर्रफ साहब के तो हम बंदे हैं, साइकिल हमारा इंतखाबी निशान है, और मुशर्रफ साहब को तो हम हर सूरत में लेके आएंगे यहाँ, और पाकिस्तान भी वो ही चलाएंगे। इमरान खान को क्या कहेंगे? इमरान खान को हम कुछ नहीं कहते हैं, क्यों जो इमरान खान को एक बात कह रहे हैं कि मर गया तो मैं अपना कह रहा हूँ, मर गया तो शहीद, बच गया तो गाजी, भज गया तो मियाँ अली अला नियाजी। अगर मैं भज गया तो फिर मियाँ अली अला नियाजी हो सा। जो इमरान खान काम जो भी कर रहे हैं हमारे को कोई काम पसंद नहीं आ रहा है, हम अपना पाकिस्तान पुराना वापस ले रहे हैं, वो यहाँ से बाहर चले जाए इंडिया में, वहाँ जा गया नहीं है पाकिस्तान इमरान खान बनाए। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अंग्रेजी की 15 चंद 28 गल मुकदी मुकई इंशाल्लाह ताला बकरा ईद के पहले दिन जैसे इब्राहिम ने अपने बेटे पर छुरी चला रहा था तो वो ही हिसाब होगा इंशाल्लाह ताला। हम करामत दिखा रहे हैं पटड़ियों की, करामत दिखा रहे हैं। कहाँ से शुरू होनी है? शेख जनूबी और शुमाली पट्टी मौजा सुमरानी शेमे में अपनी जमीन में उठा के फेंक रहा हूँ। अच्छा, इधर से उठाएंगे ये शेख जलालुद्दीन? जहाँ से जनूबी और शुमाली पट्टी मौजा सुमरानी शेब है मैं अपने सुमरानी शेब में फेंक रहा हूँ, क्योंकि मैंने से कोई गवर्नमेंट से रेलवे से पैसे तो नहीं लिए हुए ना, रेलवे गाड़ियां चल रही है। मैं अपनी जमीन से पटड़ियां उठा रहा हूँ, कराची कैंट पे भी अपनी जमीन से उठा रहा हूँ। ठीक है। बाकी कर्नल अमजद जमान साहब को भी बता रहा हूँ कि आपने रेलवे की जो पटड़ियां पटी थी कराची कैंट स्टेशन पे सन 2002 में, और कर्नल हफीज साहब को भी बता रहा हूँ, और एक कर्नल शायद महमूद साहब से उनको भी बता रहा हूँ, मेजर तहर को भी बता रहा हूँ। आर्मी ने ज्यादती की थी आपके साथ? बिल्कुल, आर्मी ने ज्यादती की। मैं सिपा सलार हूँ, उनको तो मालूम नहीं है, सिपा सलार भी है आर्मी के भाई। आर्मी ने भी साथ में हमारी दरबार को नुकसान पहुँचाया, और मेरी 5 दरगाह हैं पाकिस्तान के अंदर। ये आपने झंडा लगाया हुआ मोटरसाइकिल? झंडा तो हम लगा के रखते हैं, हम जो है ना पाक आर्मी के सिपा सलार जो है झंडा तो 24 घंटे लगा रहते हैं। अभी तो वैसे भी अगस्त का महीना भी आने वाला है। पाकिस्तान से मोहब्बत है आपको? देखो जी, पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है हमारे को कह दिया मोहम्मद अली जनाह साहब से मोहब्बत है। पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान में तो सारे गद्दार हैं, फिर ऐसे पाकिस्तान मुल्क से तो मोहब्बत है ना, लोगों गद्दारों से नहीं। तो भाई हमारे को जो ना कैदी आजम से मोहब्बत है, कैदी आजम ने फरमाया ना मेरी फुफी थे ना मेरे ताया। अच्छा। मैं बुंड फाड़ पर पाकिस्तान बनाया, इमरान खान नियाजी ने कदर ना पाया।